गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जब भी मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। अगर इसकी कोई उपाय है तो बता दीजिए हमें। अच्छा बेटा, अगर तुम जिस दिन स्कूल नहीं जाते हो तो उस दिन ठीक रहते हो? हाँ जी गुरुदेव, हाँ हाँ। बीमारी है यार। पता नहीं गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ। ये बीमारी ना बेटा, हमें भी थी। जो बीमारी अभी तुम बता रहे हो ना, वो बीमारी ना हमें भी थी पहले। अच्छा बेटा, हमें जो बीमारी थी वो तब थी स्कूल का टाइम होते ही मुझ में ना पेट दर्द होने लगता था, और तो और चक्कर भी देने लगता था जब स्कूल का टाइम होता था तब। हाँ हाँ गुरुजी, स्कूल का टाइम होती है और मेरा पेट में दर्द होने लगता है। दाढ़ी निकल जाता था ना तो ठीक हो जाता था। हाँ हाँ गुरुजी, जब स्कूल वाला गाड़ी निकल जाता है ना द्वार के साइड से, तो मेरा ना पेट दर्द ठीक हो जाता है, सब सही हो जाता है। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं, इसको गराट कहते हैं, नौटंकी, उद्मी। बेटा ये बीमारी नहीं है, ये एक नौटंकी है। हमें उल्लू ना बनाओ, कल से ना स्कूल जाइयो। होगा सबका पति चांद, मेरा पति तो सूरज है, बात बात पे गर्म हो जाता है। सुनो, आप अपने पत्नी को ना मत समझाया करो। तो क्या करूं गुरुजी? वो पत्नी कहे वो मान लिया करो। नो। अच्छा, हाँ इसी में भलाई है। गुरुजी आपका कहने का मतलब है मैं अपने बीबी को कुछ भी समझाए वो सब गलत है। आप समझाई नहीं पाओगे। अगर मैं किसी चीज के बारे में समझाऊं कि ये गलत है। ना ना मत समझाओ, जो चीज कहती है पत्नी वो मान लो, यही समाधान है।